हेलो गाइस, वेलकम टू हाई टेक इन फॉर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमारे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप घर पर एक पीसी असेंबल कर सकते हैं खुद से। सो गाइस, इसी के रिगार्डिंग मुझे आप सभी के काफी सारे कमेंट मिले थे कि मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से आप विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप अपने लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर में किस प्रकार से आप विंडोज 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो गाइस, अगर आपने भी अपने पीसी को असेंबल किया है या फिर आप अपने पीसी को अपग्रेड करना चाहते हैं विंडोज 10 में, तो आज की इस वीडियो को गाइस आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से विंडोज 10 आपको इंस्टॉल करना है विदाउट एनी स्किप। सो गाइस, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक लैपटॉप, एक मॉनिटर और एक CPU। तो गाइस, अपने PC में विंडोज 10 को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको विंडोज 10 डाउनलोड करना होगा, और विंडोज 10 डाउनलोड करने के लिए आपको एक रनिंग डिवाइस चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक रनिंग लैपटॉप ले लिया है जिसकी मदद से मैं विंडोज 10 को सबसे पहले डाउनलोड करूंगा। तो गाइस, अगर आप विंडोज 10 को अपने पेन ड्राइव में डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास कम से कम 8 GB का पेन ड्राइव होना चाहिए। तो चलिए गाइस, विंडोज 10 हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आपको अपने वेब ब्राउजर में गूगल सर्च ओपन कर लेना है और वहां पर आपको सर्च करना है डाउनलोड विंडोज। उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए, आपको सर्च करना है डाउनलोड विंडोज, देन आप एंटर प्रेस करेंगे। अब गाइस, डाउनलोड विंडोज सर्च करने के बाद आपके सामने जो पहला जो लिंक होगा, आपको पहले लिंक पर क्लिक कर देना है। ये गाइस माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। गाइस, अगर आप ये सर्च का प्रोसीजर नहीं करना चाहते तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली इस लिंक की मदद से इस वेबसाइट पर आप आ सकते हैं। अब यहाँ पर गाइस, यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड टूल नाउ, आपको इस टूल को डाउनलोड कर लेना है। तो हम क्लिक कर लेते हैं डाउनलोड टूल नाउ पे। तकरीबन 18 MB का ये कुछ टूल है, तो उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको पाथ सेलेक्ट करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टूल डाउनलोड हो चुका है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे। सो नाउ वी कैन सी गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी, सो नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन एक्सेप्ट। अब गाइस, यहाँ पर आप दो ऑप्शन देख सकते हैं, अगर आपको अपने पीसी को अपग्रेड करना है तो यहाँ पर आपको पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। लेकिन गाइस, अभी हम विंडोज 10 को डाउनलोड करने वाले हैं अपने पेन ड्राइव में, तो हम दूसरे वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम दूसरे वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं जो कि है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। तो गाइस, इसी पेन ड्राइव में मैं विंडोज 10 को डाउनलोड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस, आपको इस पेन ड्राइव को लगा लेना है अपने डिवाइस में। तो पेन ड्राइव हम लगा चुके हैं, अब आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर गाइज, आपसे लैंग्वेज एडिशन और आर्किटेक्चर पूछा गया है। आर्किटेक्चर में आपको 64-bit ही चूज करना है। गाइज, यहाँ पर मैं जो जो सेटिंग कर रहा हूँ वही सेटिंग आप भी कीजिएगा, आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो 64-bit का आर्किटेक्चर सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। तो गाइज, यहाँ पर आपको पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है जो कि है USB फ्लैश ड्राइव। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जिस भी डिवाइस में आप विंडोज 10 को डाउनलोड कर रहे हैं उस डिवाइस में एटलीस्ट 8 GB का फ्री स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी गाइज, यहाँ पर इसने हमारा पेन ड्राइव ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइज, आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। डाउनलोडिंग होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड। सो गाइस, इसको डाउनलोड होने में तकरीबन 5 से 10 मिनट का टाइम लग सकता है, टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पहले से ही विंडोज 10 यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है इस पेन ड्राइव में, तो मैं दोबारा से विंडोज 10 को डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। तो गाइज, यहाँ पर जब 100 तक प्रोग्रेस हो जाएगा तो आपकी विंडोज 10 डाउनलोड हो जाएगी आपके पेन ड्राइव में। उसके बाद आपको पेन ड्राइव को सिंपली निकाल लेना है। सो गाइज, इस पेन ड्राइव में हमने विंडोज 10 को डाउनलोड कर लिया है, अब हम इस पेन ड्राइव को निकाल कर CPU में लगाएंगे।
गाइज मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि हमारी पिछली वीडियो में हमने इस ही सीपीयू को असेंबल किया था, लेकिन अभी तक मैंने इस सीपीयू में विंडोज नहीं इंस्टॉल किया है। तो अब हम इस सीपीयू में विंडोज को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इस पेन ड्राइव को जिसमें विंडोज 10 हमने अभी डाउनलोड किया है उसको हम इंसर्ट कर लेते हैं इस सीपीयू में। तो गाइज हम पेन ड्राइव में विंडोज 10 को डाउनलोड कर चुके हैं, तो अब हमको इस डिवाइस की जरूरत नहीं है, तो हम इस लैपटॉप को बंद करके साइड में रख देते हैं। तो गाइज हमने सीपीयू को पावर दे दिया है और इस सीपीयू को हमने मॉनिटर के साथ कनेक्ट भी कर लिया है विद द हेल्प ऑफ वीजीए केबल। तो चलिए गाइज अब हम इस सीपीयू को ऑन कर लेते हैं। अब गाइज यहाँ पर आपको बायोस ओपन करना होगा। बायोस ओपन करने के लिए आपको इस डिलीट के बटन को कॉन्टिन्यूसली प्रेस करते रहना है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर बायोस ओपन हो चुका है। अब आपको जाना है बूट में, और बूट में जाने के बाद गाइज आपको बूट प्रायोरिटीज यहाँ पे चेंज करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बूट ऑप्शन 1 में यहाँ पर डीवीडी रैम यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर बूट प्रायोरिटीज को चेंज करने वाले हैं। हम बूट ऑप्शन 1 में चूज कर लेते हैं अपने पैन ड्राइव को। तो मेरा ये पैन ड्राइव सैनडिस्क का है, तो हमने यहाँ पर पैन ड्राइव को चूज कर लिया है। अब गाइज आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली सेव एंड एग्जिट करना है। आप F10 प्रेस करेंगे तो बायोस को सेव करते ही हमारा डिवाइस यहाँ पे बूट हो गया है। अब यहाँ पर हमसे लैंग्वेज पूछी गई है, तो लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। अब यहाँ पर गाइस आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास प्रोडक्ट की है इस विंडोज की, तो हमारे पास प्रोडक्ट की नहीं है, तो हम क्लिक करने वाले हैं आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। तो हमारे पास अभी प्रोडक्ट की नहीं है और ना ही मैं डालने वाला हूँ प्रोडक्ट की, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे। तो गाइस अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करना चाहते हैं। तो हम डाउनलोड करने वाले हैं विंडोज 10 प्रो। तो हम विंडोज 10 प्रो को चूज करके सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हम किस टाइप का इंस्टॉलेशन चाहते हैं, तो यहाँ पर हम कस्टम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, तो हम दूसरे वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। तो गाइस अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस ड्राइव में आप विंडोज को इंस्टॉल करना चाहते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से ही काफी सारी ड्राइव यहाँ पे बनी हुई है। तो गाइस इन ड्राइव्स को हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम रिक्वायर्ड जितनी भी फाइल्स है वो सभी इन्हीं ड्राइव्स में है, लेकिन फिर भी मैं आपको इन ड्राइव्स को डिलीट करके दिखाता हूँ क्या होता है। तो गाइस मैं सभी ड्राइव्स को डिलीट कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम न्यू ड्राइव्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। न्यू ड्राइव को क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 1 GB में 1024 MB होते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको साइज चूज कर लेना है। तो यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ 300,000 MB। उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। नाउ क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पर हमारी न्यू ड्राइव क्रिएट हो चुकी है और इसका साइज है 292.4 GB। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जितनी भी ड्राइव डिलीट करी थी वो सारी ड्राइव वापस आ चुकी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि गाइस इन ड्राइव्स में सिस्टम रिक्वायर्ड फाइल है तो ये डिलीट नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने एक पार्टीशन क्रिएट कर लिया है 292.4 GB का। तो अब हम अनअलोकेटेड स्पेस में से एक और ड्राइव को क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए आपको दोबारा से न्यू पर जाना है और यहाँ पर आपको साइज डाल लेना है। तो साइज को डालने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमने एक और ड्राइव क्रिएट कर ली है और इस ड्राइव का साइज है 195.3 GB। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और प्राइमरी ड्राइव यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। सो पार्टीशन हम क्रिएट कर चुके हैं, अब हम इस प्राइमरी ड्राइव में इस विंडोज को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सिंपली आपको ड्राइव पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं विंडोज इंस्टॉल हो रही है। सो गाइज इट कैन टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, तो थोड़ा पेशेंस आप रखिएगा। तो विंडोज इंस्टॉल होते ही हमारे डिवाइस यहाँ पे रिबूट हो गया है। तो गाइस हमारे पीसी में विंडोज इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन गाइस अभी आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी है। अगर आप उस स्टेप को मिस करते हैं तो आपने अभी जितने भी ड्राइव्स क्रिएट करे हैं कोई भी ड्राइव वर्क नहीं करेगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नाउ यू हैव टू सेटिंग अप दिस डिवाइस। यहाँ पर आपसे आपका रीजन पूछा गया है, तो रीजन हम चूज कर लेते हैं।
तो गाइस इन सभी सेटिंग्स को हम स्किप करते हैं। अब यहाँ पर आपसे यूज़र नेम पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप यूज़र नेम डाल देंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है उस इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करके सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते रहना है, और कुछ नहीं करना है अब। तो एज यू कैन सी गाइस यहाँ पर हमारे पीसी में विंडोज इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेकिन गाइस मैंने अभी आपको बताया कि एक बहुत ज़रूरी स्टेप यहाँ पे अभी बाकी है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमारे न्यूली असेंबल पीसी में विंडोज इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए गाइस अब हम चलते हैं माय कंप्यूटर में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही ड्राइव यहाँ पर क्रिएट हुई है। लेकिन गाइस आप सोच रहे होंगे अभी तो हमने दो तीन ड्राइव हमने क्रिएट करी थी, तो बाकी की ड्राइव्स कहाँ गई? तो मैं आपको बताता हूँ गाइस बाकी की ड्राइव्स किस प्रकार से आपको लेकर आनी है। तो सबसे पहले गाइस आपको जाना है डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क मैनेजमेंट को ओपन करने के लिए आपको इस विंडोज के बटन पर राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट, इसको आप ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पार्टीशन को फॉर्मेट कर देता हूँ। तो पार्टीशन को फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पर अब हम कोई भी लेटर इसको असाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको डी लेटर असाइन करने वाला हूँ। तो एज यू कैन सी यहाँ पर डी ड्राइव हमारा क्रिएट हो चुका है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर हमने डी ड्राइव क्रिएट कर लिया है। तो अब हम दोबारा से माई कंप्यूटर में जाके देखते हैं कि डी ड्राइव हमारा आया कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ड्राइव हमारा आ चुका है। तो अब हम एक और ड्राइव क्रिएट कर लेते हैं। तो अब हम इस अनअलोकेटेड ड्राइव में से एक और ड्राइव को क्रिएट करने वाले हैं। तो आपको सिंपली राइट क्लिक करना है इस पर और न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको साइज एंटर करना है, क्या साइज आप चाहते हैं अपने ड्राइव का, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप उस ड्राइव को क्या लेटर असाइन करने वाले हैं। तो हम एफ यहाँ पर असाइन कर देते हैं। तो लेटर असाइन करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सिंपली दोबारा से नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, देन आप फिनिश पे क्लिक करेंगे। ड्राइव क्रिएट करने के बाद आपको उस ड्राइव को एक बार फॉर्मेट करना होता है। तो चलिए गाइस अब हम माय कंप्यूटर में दोबारा से जाके देखते हैं कि हमारा ड्राइव क्रिएट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइव क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने तीन ड्राइव क्रिएट कर ली है, सी डी और एफ। सो नाउ यू कैन यूज योर पीसी। सो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पर हमने पीसी में विंडोज 10 इंस्टॉल कर लिया है और हमारा पीसी प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है। सो गाइस आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार से आप अपने लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर में विंडोज 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। वैसे दोस्तों आई होप आज के वीडियो आप सभी के लिए जरूर हेल्पफुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके कोई भी सुझाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो के नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे लिखे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन को अभी कभी दबा देना है, और आप सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सके। तो दोस्तों नमस्कार।